गैस सूबाई सिंध ने पैदा की, 22% गैस बलूचिस्तान ने पैदा की, 11% गैस खान ने प्रोड्यूस की, 3% गैस पंजाब। ये मैंने वफाकी हुकूमत कही है। गैस का इस्तेमाल कैसे हुआ ये भी होती है, जो कि 64% गैस पैदा करता है उसको गैस भी 90% उन गैस सिंध को मिली। बलूचिस्तान जो 22% गैस पैदा कर उसको 9% गैस मिली। खैबर पख्तूनख्वा 11% गैस प्रोड्यूस करता है उसको 5% गैस, और पंजाब के 3% गैस प्रोड्यूस उसको 47% 47%। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी हुकूमत के दाद कह रहे हैं। इसमें सोर्स है, सोर्स पाकिस्तान एनर्जी ईयरबुक 2020। ये इस ये ज्यादती नहीं है, किसी और का है उसको लोड शेडिंग का सामना है। घरेलू साकिन को गैस नहीं मिल रही, हमारे ट्रांसपोर्टर्स को गैस, हमारी सनतों को गैस। पाकिस्तान की सनतें जो सूबा सिंध से तक वो पाकिस्तान को तकरीबन 65-70% ज़र मुबादला कमा के देती हैं, और आज जब उनको नहीं करेंगे तो उसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा और बिलखसूस कराची होगा जहाँ पर बेरोजगारी। लेकिन आपको इसका एहसास नहीं है, आप तो गलत बयानी ऐसे हैं कि आपका दस्तावेज 64% और आप कहते हैं 38%। खुदारा आप पहली को माने, कॉम्पिटेंस को माने, लैक ऑफ प्रेपरेशन को माने। इनका अभी भी मैं समझता हूँ हुकूमत मीटिंग हो रही होगी जिस गैस का बोरान सिंधु को तरीका निकालो कि यार बिलावल भुट्टो जरदारी इसका जिम्मेदार है कि गैस की शॉर्टेज पाकिस्तान में। अगर आप आपकी काबीना आपके वुजरा अहल होते ना तो आज ये लोड शेडिंग नहीं होती ना अहली को। और मैं इस साल की भी आपको फिगर देना चाहूंगा, क्योंकि ईयर बुक छपी नहीं है अभी तक, तो मैं आप उनकी किताब जो हमारे पास तफसीलात है वो शेयर कर रहा हूं। इस वक्त भी सूबाई सिंध, इस वक्त इस मौजूदा माली साल में सूबा सिंध पाकिस्तान 62% गैस प्रोड्यूस कर रहा है, 62% प्रोड्यूस कर रहा है। बलूचिस्तान 22% गैस प्रोड्यूस कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा 12% गैस प्रोड्यूस कर रहा है, 3.25% गैस प्रोड्यूस कर रहा है। आइन का आर्टिकल 158 कहता है सूबे में गैस प्रोड्यूस होगी, प्रेसिडेंस प्रायोरिटी सूबे की जरूरियात को। और हम तो कहते हैं यार हमारी जरूरियात जो हैं वो सारे मुल्क की जरूरियात हैं, क्योंकि अगर सिंध को गैस मिलेगी, कराची के सनती इलाकों को गैस मिलेगी, जाम कोटरी हैदराबाद सखर लाड़काना के सनाइस को गैस मिलेगी, गैस आपकी नेशनल इकोनॉमी में कौमी इक्तसादी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। ये सब मानते हैं कि सूबा सिंध पाकिस्तान का जो नेशनल रेवेन्यू है उसका 65-70% हम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं मिल रही। और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए आप गलत नंबर्स कोट करते हैं। मैं आवाम के सामने अपना मुकदमा रखना चाहूँगा, बिकॉज वफाकी हुकूमत तो हमारी बात नहीं सुनती, क्योंकि उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम नहीं है, उसका इंटरेस्ट अपनी अशराफिया है, उसका इंटरेस्ट अपनी ATMs है, और इनकी ATMs भी रोज़ चेंज होती हैं, एट द मोमेंट है उनकी, तो उनकी परमानेंट ATMs नहीं है, लोगों को इस्तेमाल करते हैं फिर फेंक देते हैं छोड़ देते हैं।
तो मैं कुछ शर्म कुछ हया दिलाना चाहूँगा वफाकी हुकूमत को, क्योंकि बड़ी मुश्किल है, चुल्लू भर पानी उनको दिखाना चाहूँगा। खुदारा अपनी बातों में एहसास की बात ना करें, काम में एहसास की बात करें। अगर आप लोग लायक होते, आप लोगों को तजुर्बा होता, तो काम करना आता होता के महीने में पाकिस्तान की आवाम को ये नहीं कहते कि भाइयों पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, दिसंबर जनवरी फरवरी में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। आप पाकिस्तान की कौम को अच्छी खबर सुनाते कि हमने इंतजाम, हमने प्रेपरेशन कर ली है और इंशाल्लाह हम गैस की लोड शेडिंग नहीं होने देंगे, हम आपको गैस प्रोवाइड करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन नहीं, चूंकि ये लोग ITUS इसकी टोपी उसके सर, ITUS टोपी उसके सर, कि हर चीज जो है ना इसकी जिम्मेदार माजी की हुकूमत है, इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, इसकी जिम्मेदार ऑपोजिशन। वो भाई 3.5 साल से तुम लोग बैठे हो, डॉलर 180 रुपए पे नहीं मिल रहा है इस वक्त। सिंध हुकूमत अपने को मजबूत करने के लिए गन्ने के रेट है, जिस सपोर्ट प्राइस बढ़ाती है, इस ताकि वो बेचारा किसान जो करके हमको वो गंदुम देता है, चीनी देता है, कपास देता है, उसको कुछ पैसे मिल सके। उसको पैसा नहीं है ये, लेकिन महंगे निरखों पे इंपोर्ट करने को तैयार हैं, महंगे दामों पर इंपोर्ट करने को तैयार हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि उसमें फायदा इनके दोस्तों का होता है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का नहीं होता। आखिर में मैं सवाल उठाना चाहूँगा, जहाँ गैस की मैंने बात कर ली, गुर्बत रोजगारी की बात कर ली, नालायकी की एक और मिसाल, कि जब इनको इख्तदार मिला तो चीनी 55 रुपए किलो थी, वो बढ़कर 80 रुपए किलो हुई। इमरान खान ने नोटिस लिया, इनके तर्जुमानों ने शामियाने बताया, खान आ गया, अब इनकलाब आएगा। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आई, वो चीनी जो कि 80 रुपए किलो मिल रही थी, वो बढ़ते बढ़ते उसने सेंचुरी क्रॉस की, 110, 120 और आखिर में 170 रुपए तक पहुंची। यानी कि 55 रुपए किलो चीनी 3 सालों में ये लोग 170 रुपए पर ले गए। किसने पैसा कमाया? इनके लोगों ने पैसा कमाया। उसके बाद पिछले दिनों वफाकी तर्जुमान कहते हैं आपको कि आप लोग ज्यादती करते हैं, आप लोग बताते नहीं हैं कि चीनी के निर्ख हमने कम करके 70 से 98 रुपए किलो कर दिए। मैंने कहा गिला जायज है, लेकिन मैं एक नया सवाल खड़ा किया कि जो लोग 170 से 98 रुपए किलो चीनी पर ला सकते हैं, उन लोगों ने चीनी के रेट 170 तक क्यों बढ़ने दिए? और मैं आज उन दोस्तों से सवाल पूछना चाहूंगा कि इस वक्त चीनी फिर बढ़ के 125-130 रुपए किलो मिल रही है, 125 से 130 रुपए किलो मिल रही है। आप दोस्तों ने सुबह बताया हमें, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? तो खुदारा अपनी नालायकी को किसी हिजाब में ना डालें, अपनी नाअहली को किसी ऑफर के ऊपर मुसल्लत ना करें। माने कि आप निकम्मे हैं, माने कि आप नाअहल हैं, माने कि आप ना तजुर्बाकार हैं, आपके मानने से कुछ नहीं होता। बाकी 22 करोड़ आवाम मान चुकी है, मजा तब आएगा जब ये लोग माने, ये लोग जो अशराफिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ये माने कि इनके 3-3.5 सालों में इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की ऐसी की तैसी कर दी है। शुक्रिया। सड़कों को अब तक कोई जाने नुकसान नहीं हुआ।
या आपने बड़ा बड़ा आपने अहम सवाल बात से वाकिफ हैं कि जैसे ही कराची की भागदौड़ या कराची की जिम्मेदारी, कराची के ट्रैफिक कंजेशन और ये बिलखसूस जो हैवी ट्रैफिक है इसके मसाइल हल करने के लिए मैंने ये इशू रेज़ किया कि लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। आप तमाम दोस्त जानते हैं कि लियारी एक्सप्रेसवे हुकूमत के अंडर या कराची की इंतज़ामिया के अंडर नहीं आता, ये वफाकी हुकूमत चलाती है, NHA चलाती है। हमने बड़ी कोशिश की कि हम उनको कायल कर सकें लेकिन हम उस तरीके से उनको कायल नहीं कर पा रहे थे। मैंने फिर गवर्नर साहब की मदद मांगी और मैं बरमला इस बात का इजहार करता हूँ कि गवर्नर साहब ने बड़ा मुस्बित रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया। उन्होंने कहा आप मदद करना चाहूँगा और गवर्नर साहब ने मेरी मीटिंग कराई वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब से, हमारी ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें हमने ये मुद्दा रखा कि इतना बड़ा असासा है, नेशनल एसेट है लियारी एक्सप्रेसवे का, अगर इसको आप हैवी ट्रैफिक के लिए खोल देंगे तो कराची के एक आम आदमी को फ़ायदा उससे हो पाएगा। तो उसके टेक्निकल फीजिबिलिटी चल रही है, मैंने खुद NHA की इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ लियारी एक्सप्रेसवे का पिछले हफ्ते विजिट किया था, दौरा किया था और उन्होंने ये कहा है कि उसकी एक सॉइल टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है जिसके लिए उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम मांगा है हमसे। 3 हफ्ते के बाद वो रिपोर्ट लेके आएंगे कि आया हैवी ट्रैफिक अब चलने से कोई लियारी एक्सप्रेसवे के कॉम्पैक्शन के मसाइल तो हल नहीं होंगे। तो मैं सियासत को बालाए ताक बहरी कराची वाले के बहरी ये उम्मीद करूँगा कि वफाकी हुकूमत इस काम में हमारी मदद करेगी और ये जो हैवी ट्रैफिक का मसला है जहाँ पे ये हैवी ट्रैफिक मेरे आपके गली मोहल्लों से गुजर रहा है उसको हम ख़त्म करके लियारी एक्सप्रेसवे की तरफ ला पाएंगे। इससे ना सिर्फ शहर की कंजेशन के मसले ख़त्म होंगे बल्कि मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्टर्स के पैसे बचेंगे, बिकॉज ऑल द वे वो शहर के अंदर से जब होते हुए आते हैं तो उनको ज़्यादा पेट्रोल, ज़्यादा डीजल के ऊपर खर्चा होता है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हादसात होते हैं उनको अवॉइड कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद कर कि जो गवर्नर साहब ने इसके अंदर एक अच्छा किरदार अपना अदा किया है, गवर्नर साहब उसी तरीके से वफाकी हुकूमत को कायल कर पाएंगे, हम उनको कायल कर पाएंगे कि इस लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। जवाब तो आपको वफाकी हुकूमत से मिल सकता है बट मुझे मंतक समझ नहीं आती कि अगर आप नेशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो नेशनल रिफॉर्म्स के अंदर नेचुरली चारों सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए बल्कि उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के भी जो नुमाइंदे हैं उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। मुझे इसकी तफसीलात नहीं पता कि क्यों बनाई गई है लेकिन आपको पता है कि सूबाई सिंध कानूनी असलाहत के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती रही है। और मैं आपको एक और बड़ी खबर आज दे दूँ कि सूबाई सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा बनने जा रहा है जहां पर सिंध के अंदर जितने भी इनरोल्ड वकला हैं तकरीबन कोई 33 से 34 हज़ार वकला हैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस हम करने जा रहे हैं, उसकी समरी हमने मूव कर दी है। चल कल इसका बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर आला सिंध हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में जाके वो ऐलान भी करेंगे। तो हम तो समझते हैं और मैं आज भी कहता हूँ हमें जेन्युइनली अपने मुल्क में इस्लाहात करने के लिए हमारे जो 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं यानी कि हुकूमत, पार्लियामान और अदलिया, हम तीनों इदारों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि हम ऐसे कवानीन बना सकें जिसमें एक आम आदमी को आसानी हो, हमारी अदालतों के लिए आसानी हो, हमारे वकला के लिए आसानी हो, ताकि हम सब रूल ऑफ लॉ को यकीनी बना सकें, एक्सेस टू जस्टिस को इंशाल्लाह बना सकें। तो इंशाल्लाह हम तो अपने काम पर लगे हुए, बाकी वफाकी हुकूमत का मुझे पता नहीं। आमतौर पर जब ये हवाएं चलती है तो कराची में वाकयात होते हैं लेकिन मार्केटों में ही आग क्यों लग रही है तो बचाए, लेकिन ये बड़े मार्केट्स को कोई खैर नहीं है। कहा भी ये भी जा रहा है कि ये जो इस तरह की जो आग होती है जो मखसूस इलाकों में और मखसूस गोदामों में लगती है ये बेसिकली ताजरों की लाइफ लाइन भी होती है। देखिए आग लग रही है या लगाई जा रही है इसके ऊपर तफ्तीश की जा रही है, तफसीलात जब आ जाए रिपोर्ट आ जाएगी वो आपके साथ शेयर कर ली जाएगी, लेकिन कुछ आग है जो इमारतों में लगती है और कुछ आग है जो दिलों में लगी हुई है इस वक्त। मैं समझता हूँ वो बुग्स भी लोगों का नज़र आता है, मैं मुस्बित आदमी हूँ, मुस्बित सोच का हामिल हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आग लग रही है लेकिन बुझा
दिखाया जा रहा है, वही केएमसी जो कि माजी में काम करते हुए नहीं थी, वही केएमसी उनके अफसरान उनके अहलकार आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपने देखा चाहे वो कोऑपरेटिव मार्केट का वाकया हो, यूरिया मार्केट का वाकया हो, या सनतों का वाकया हो, आपको केएमसी फोर फ्रंट पर नज़र आई, हमारे फायर के अहलकार अफसरान फोर फ्रंट पर नज़र आए। उसके साथ साथ हमारी ज़िले इंतज़ामिया हो, हमारी बाकी म्यूनसिपैलिटीज़ हों, हमारी पुलिस हो, हमारी रेंजर्स हो, वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। ये मुस्बित चीज़ है, मैं समझता हूँ कोऑर्डिनेटेड अंदाज से, और हाँ वाटर बोर्ड भी उसमें शामिल थी, ये जो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ कराची में काम हो रहा है, मुस्बित अंदाज से काम हो रहा है, मैं समझता हूँ इसको उजागर करने की ज़रूरत है। मसाइल है, लेकिन मसाइल को हल करने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है, और इंशाल्लाह ये जो बेहतरी का सफ़र स्टार्ट हुआ है ये इसी तरीके से जारी रहेगा। आमीन। इसी तरीके से ताजिद राकी ने वो पूरी सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है, राहगीरों को भी जाने में दुश्वारी का सामना हो रहा है। उनका कहना है जब तक सिंध हुकूमत हमारे साथ ताबूत करेगी, मुतालबात भी मानेगी, ये सड़क नहीं खुलेगी। इसी तरह की अगर अल्लाह ना करे मजीद वारदात होते हैं तो क्या कराची शहर बंद हो जाएगा या सिंध हुकूमत क्या करेगी? ये उन ताजिरों को ज़रा सोचना चाहिए कि क्या वो अपने मसाइल, आवाम के मसाइल सड़क को ब्लॉक करके हल कर सकते हैं। अगर सड़क ब्लॉक करने से, किसी फायर ब्रिगेड का रास्ता रोकने से, किसी एम्बुलेंस का रास्ते से, किसी आम आदमी की मोटरसाइकिल का रास्ता से उनके मसाइल हल हो जाएंगे तो उनकी मर्ज़ी। मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त आग लगी पूरी हुकूमत वहाँ पर मौजूद थी, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, मैंने उनको कहा, मैं कहा जी मैं आपके साथ मौजूद हूँ, मैं 3-4 घंटे खुद वहाँ पर मौजूद रहा था। उसकी तफसीलात आ जाए, उसकी तफ्तीश हो जाए, तहकीकात हो जाए, वो रिपोर्ट आ जाए, ये तय तो हो जाए कि वो लाइफलाइन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, जेन्युइन इंसिडेंट था, किसी ने शरारत की है, किसी ने ज्यादती की है, शॉर्ट सर्किट है, क्या है, ये जब चीज़ तयन हो जाएगा उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। मेरे पास मैं जेम्स बॉन्ड हलीम आदिल शेख नहीं हूँ। मैं टॉम क्रूज खुरम शेर जमान नहीं हूं कि अपने घर में बैठकर यह फैसला कर लूं कि यह काम किसने किया है, तफ्तीश में कंप्लीट कर लूं और इल्जाम लगा दूं। कागज आ जाएगा, कागज के बाद जो फैसला होता है वो कर लिया जाएगा। ये सोमना साहब के बाद सीनियर आदमी, आप हंस रहे हैं, सीनियर नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ फायर ब्रिगेड की कर लें, और मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ, आप लोग जाके इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बड़ी होती है ना, कि केएमसी के फायर डिपार्टमेंट जो फायर टेंडर्स हैं उसकी मेंटेनेंस का ठेका किसको मिला हुआ था, ज़रा चेक कर लें, और वो पैसे कहाँ जा रहे थे ज़रा ये चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। ये लोगों के मफादात हैं, उन मफादात के तहत इदारों को उन्होंने तबाह किया, ज़्यादती की। मैं अगेन कोशिश ये कर रहा हूँ कि चीज़ों पर इल्ज़ाम की तरफ ना जाओ, फिर वो कहेंगे कि मैं ज़्यादती करने की कोशिश करूँ, मैं काम करने की हद तक इम्कान कोशिश करूँ, जो कुछ भी इंशाल्लाह कर सका वो करूँगा। ये आप दो पूछ रहे हैं इसके वाइस चांसलर मल्टीपल हो सकते हैं, इमरान खान साहब भी उसमें आ सकते हैं, शेख रशीद साहब भी उसमें आ सकते हैं, बहुत सारे इस तरह के जो उनके लोग टोपी डाल, असद उमर साहब माशाल्लाह जिस ढिटाई से गलत बयानी वो आदमी करता है ना, कुट पैणी है। तो मैं वही कहता हूँ कुछ शर्म कुछ हया, ये लोग आए तो मैं चांसलर जो है ना वो असद उमर, जितनी माशाल्लाह इन्होंने इस कौम के साथ 3 सालों में, बल्कि सिर्फ इमरान खान साहब के साथ भी इन्होंने किया है ना वाइस चांसलर को जी। कुछ दिन पहले मुसलसल ये फायर टेंडर जो है वफाक ने आपके हवाले किए, केएमसी के हवाले, आप एडमिन आपको कितने फायर टेंडर, बात तो ये बता देना। आज जले जो है ना वो दिल जो है ना वो कर साहब कराची का मेयर बनने की, तो मैं उनको बताना चाहूँ मेयर बनने के लिए बातें नहीं करनी होती, हम करना होते हैं, जरा बातों से बाहर निकल करें।
मैं तो बल्कि बताना चाहूँगा कि ये सब जब फैक्टोरिया आग लगी हुई थी तो इंतजामिया के रहे थे, माशाल्लाह ये फायर एक्स कहते यूँ कर लो यूँ कर लो, तो मैं समझता हूँ इनका काम ही लोग करने इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। मैं तो आपसे मुलाकात कर भी तनकीद हो जाए, मैं भी कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो पीटीआई वाले तनकीद, तो तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। मैंने कहा कि घबराना नहीं है, सवाल है निशान शहीद पार्क उसका नाम था, वो नाम मैंने नहीं रखा था, वो नाम नई इंतजामिया थी उन्होंने रखा था। मैंने सिर्फ वो जो पार्क के बंद थे दरवाजों को खोला, उस तीनों आरइश की क्यों बाद नंबर एक नंबर दो की आवाम का ये हक है को पार्क मिलना चाहिए, जो जरूरियात हैं वो मिलनी चाहिए। तो मैंने तो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए एक चीज की, पर अगर कुछ लोग अपनी अपनी तनकीद करने की कोशिश करें तो अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं अपना काम कर रहा था कर रहा हूं और इंशाल्लाह करता रहूंगा। थैंक यू।